हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो हमें आज पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, या फिर है क्या, तो मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स होंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, और जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है उनमें आइसोमर्स बनते हैं, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये जिस प्रोसेस में होगा उसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब हमने डिटेल में देखा है, देखना है, लेकिन बेसिकली हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है ऑर्डिनरी लाइट, ये सनलाइट। देखिए ना, आपके सराउंडिंग में ये जो सनलाइट है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। अब ऑर्डिनरी लाइट किस तरह का होता है, डेफिनेशन में यहां पर लिखा हूं। ऑर्डिनरी लाइट सनलाइट, व्हाइट लाइट, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको पता है, आपको फिजिक्स में तो चैप्टर है उस पर डिपेंडेंट, तो वो बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस मींस वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनका जो ऑसिलेशन होगा उस तरह से इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, ऑल पॉसिबल प्लेन्स, यानी कि ऊपर नीचे यहां पर वहां पर, उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी किसी भी तरह से घूम सकते हैं। ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, अगर लाइट इस तरह से जा रही है तो ऑसिलेशन इस तरह से होगा। ओके, वही लाइट अगर मुड़ जाए इस तरह से तो ऑसिलेशन इस तरह से होगा। अगर इस तरह से जाए तो इस तरह से ऑसिलेशन होगा, इस तरह से जाए तो इस तरह से ऑसिलेशन होगा, इस तरह से जाए तो इस तरह से ऑसिलेशन हो जाएगा, इस तरह से जाएगा तो इस तरह से ऑसिलेशन हो जाएगा। यानी सारे के सारे डायरेक्शन में नो रिस्ट्रिक्शंस, ऑर्डिनरी लाइट को नो रिस्ट्रिक्शंस, सारे के सारे डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, और वो जा भी सकता है। ओके, इसलिए आ देख सकते हो। अब देखिए, सन जो है, अगर यहां पर मैं सोचूंगा, सन जो है हमारे सर पर है, अगर आप सोचोगे तो सर पर है, लेकिन वो लाइट सीधी आ रही है इस तरह से। अगर वो सीधी आ रही थी तो ये तो रिस्ट्रिक्शन है ना, तो यहां पर सनलाइट आ ही नहीं पाएगा। लेकिन सनलाइट देखिए ऐसे करके ऐसे आ रहा है, क्यों इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिए वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो जो लाइट है वो जिस तरह से प्रोपोगेट करेगा, वो इस तरह से करे या इस तरह से करे, वो किसी तरह से भी मुड़ सकता है, किसी भी तरह से मुड़ सकता है। ओके, वो किसी भी तरह से मुड़ सकता है, यानी कि वो प्रोपोगेट कर सकता है, वो जा सकता है, और इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, नो रिस्ट्रिक्शन, वो रिटर्न बैक भी आ सकता है। जिस तरह से ऐसे जाना है तो ऐसे भी आ सकता है, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर जाएगा। ओके, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह जाएगा। ओके, वेव्स आपको पता है ना, क्रेस्ट ट्रफ। ओके, वन क्रेस्ट और वन ट्रफ मिलकर बनाते हैं वन वेव। ओके, आपको पता है ना, वेव नंबर आपको पढ़ा होगा इससे पहले फिजिक्स में। तो ये जो ऑसिलेट हो रहा है वेव्स के फॉर्मेट में, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है। आप देखिए, ये जो लाइट है, सनलाइट है, कहीं पर भी आ सकती है। अगर आप देखिए, अगर यहां पर आप छेद कर दोगे तो इस छेद से भी ये सीधी आ जाएगी, यानी कि वो सारे के सारे पॉसिबल डायरेक्शन में। सन तो ऊपर है, सन तो ऊपर है, लेकिन वो कहीं से भी किसी भी तरह से आ सकता है। यानी ऑर्डिनरी लाइट वो प्रोपोगेट करता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। ओके, तो ये हुआ कि ऑर्डिनरी लाइट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मैंने इसलिए इस तरह से इसे दिखाया। अगर मैं इस तरह से दिखाऊंगा तो भी चल जाएगा, आप भी दिखा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि वो सीधा तो नहीं जाएगा, वो ऑसिलेट करते हुए जाएगा, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हो।
ओके इस तरह से दिखा सकते हैं। अब हमें जानना है बहुत जरूरी चीज, वो है पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, पूरी डेफिनेशन आप देख सकते हो सिमिलर है। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ जो है उसकी जगह पर आपको लेना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, plain polarized light, consists of electromagnetic waves having oscillation of electric and magnetic field in, अब यहाँ पर changes, in one plane perpendicular to the direction of propagation of light. अब ये जो all है ना, ये all नहीं होगा, ये सिर्फ single, one plane में ही वो जा पाएगा, यानी अगर आप यहाँ से आप छोड़ोगे तो वो सीधा ही जाएगा इसी रास्ते से सीधा, आप उसे मोड़ नहीं पाओगे। अगर आप उसे ऐसे कटोगे और फिर वो ऐसे चला जाए ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों कि वो सिंगल डायरेक्शन में सीधा ही जाएगा, अगर जा पाएगा तो ही जाएगा, नहीं जा पाएगा रुक जाएगा, ओके उसी पर रुक जाएगा, लेकिन वो मुड़ नहीं पाएगा, ओके सो वहीं पर रुक जाएगा, ओके तो वो सिंगल ही जाएगा, लेकिन अगर वो मुड़ गया तो फिर आइसोमर्स बन जाएगी, तो सबसे पहले तो पास आउट तो होना चाहिए तो फिर मुड़ेगा, तो अगर वो मुड़ जाए तो वो जब पास आउट हो जाएगा किसी में से तो वो मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, जब तक किसी से वो पास आउट नहीं हो पाएगा तब तक वो मुड़ नहीं पाएगा, वो सीधा सिंगल डायरेक्शन में सिर्फ वन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट में ही वो ट्रैवल कर सकता है। तो आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप खेलते हो ना लेजर बीम, आपको पता होगा वो खेलते हो आप रेड कलर के लाइट होती है एकदम सीधी वो ट्रैवल करती है, आपने देखा होगा ना, और अगर आपने यहाँ पर वो रख दिया यानी वो जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आकर रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर वो जा वो चला गया तो क्या होगा, तो वो हमें आगे वो जा सकता है, लेकिन हर किसी चीज से तो वो नहीं गुजर पाएगा, किसी किसी चीज से वो गुजर पाएगा, ओके वो देखना है। तो प्लेन पोलराइज्ड जिसे कहते हैं लेजर बीम, लेजर आपने देखा होगा सीधा सीधा ट्रैवल करता है, ओके तो वो जो है सिर्फ सिंगल प्लेन में वो ट्रैवल करता है, ओके सिंगल प्लेन में वो ट्रैवल करता है, ओके सो अगर ऑर्डिनरी लाइट को आप किसी ऑर्डिनरी लाइट को पास आउट करते हो निकोल्स प्रिज्म से, ये निकोल्स प्रिज्म है, और ये ऑर्डिनरी लाइट अगर आप इस निकोल्स प्रिज्म से पास आउट करते हो, इस निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हो तो वो बन जाता है पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आपको तो ये पता है स्टूडेंट, आपने 8th में 9th में इससे पहले आपने किया है, अगर ऑर्डिनरी लाइट किसी प्रिज्म से पास आउट हो जाएगी तो वो सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, सेवन सिंगल सिंगल कलर में अलग अलग कलर्स में वो डिवाइड हो जाएगा, कि आपने पढ़ा है ऑर्डिनरी लाइट व्हाइट लाइट जब आप पास आउट करते हो तब, तो वही तो सेवन कलर के जो लाइट से अलग अलग लाइट्स उसी को तो कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसी को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके उसी को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वो जो सिंगल कलर है ना, सिंगल कलर में वो जो ट्रैवल कर रहा है वो सीधा जाएगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, यानी कि वो सीधा प्रोपोगेट करेगा ऑसिलेशन में, सिमिलर डेफिनेशन सिमिलर है, सिर्फ इस ऑल की जगह पर आपको वन प्लेन यूज करना है, सिर्फ वन प्लेन, यानी कि वो सिंगल डायरेक्शन में ही जा पाएगा, ओके अगर वो सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाएगा, मुड़ नहीं पाएगा, ओके सो सिंगल प्लेन। अब और एक चीज, और एक जरूरी चीज, अब व्हाइट लाइट जो आपको पता है आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, व्हाइट लाइट जो है वो व्हाइट कलर का ही है, जब वो प्रिज्म से पास आउट हो जाएगा तो सेवन कलर्स में वो सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी वो सिंगल 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 कलर्स में सेपरेट हो जाएगा, यानी कि कलर जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वो सिंगल कलर का है,
वो किस भी कलर का आप ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, जो होगा वो ले लीजिए, लेकिन वो सिंगल कलर का है, ओके? वो सिंगल कलर का है। जब ये ऑर्डिनरी लाइट सेवन कलर से मिलकर बना हुआ व्हाइट कलर, ऑर्डिनरी लाइट जो है वो सेवन कलर से मिलकर जुड़कर बना हुआ कलर है, ओके? जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो सिंगल कलर का है, वो किसी भी कलर का हो सकता है, उसका कलर डिफरेंट है। आप देख सकते हो लेजर बीम जो है ना, लेजर बीम जो है आप यूज करते हो खेलने के लिए, वो लेजर बीम रेड कलर का भी है, रेड कलर का भी है, येलो का भी है, ग्रीन का भी है, यानी कि वो अलग अलग कलर में अवेलेबल है, यानी वो सिंगल कलर का है, ओके? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको समझ में आ चुका है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आप याद कर लीजिए, अगर किसी ऑर्डिनरी लाइट को आप डिफाइन कर दे जाएंगे, ऑर्डिनरी लाइट की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपको एग्जामिनेशन में, वो तो बहुत सिंपल, वो फिजिक्स में चला जाएगा। फिजिक्स में आपको वहां पर पूछा जाएगा कि आपको लाइट ये जो चैप्टर है वहां पर अवेलेबल है, तो यहां पर तो नहीं पूछेंगे, केमिस्ट्री में नहीं पूछेंगे, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको पूछेंगे। तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में याद रखना है, ओके? तो ऑर्डिनरी लाइट की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है, सिर्फ यहां पर ये जो ऑल है उस ऑल की जगह पर आपको वन, यही सिर्फ चेंज करना है, ताकि सारा का सारा जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से सिमिलर है। और ये आप रिमेंबर कर लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। सो यहां पर रुकेंगे, टिल देन नेक्स्ट वीक।